पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है मेरा पिल्लू। उसको भूख लगी होगी, उसको ना, उसको हर दो घंटे में भूख लगती है मेरी तरह। ए लड़की, पागल है क्या? ऐसे रोने से तेरी समस्या का हल होगा क्या? ऊपर वाले पे भरोसा रख, और हम सब है ना तेरे साथ, तेरे बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। आइला, एकदम मस्त जापानी गुड़िया लग रही है तू, हाँ? अब देखता हूँ कौन तेरे को कैसे पहचानता है, हाँ? हाँ? हॉस्पिटल से आपने बच्चे की देखभाल के लिए नर्स बुलाई थी ना? ओ, बुखार है बच्चे को। दवा खाने से दवाइयां मंगवानी पड़ेंगी मुझे। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, सुनो अभी एक कॉल आया था, गांव के बाहर एक घर है, वहां पर एक आदमी एक बच्चे को लेकर आया है। हेलो, हाँ अच्छा ओके सर, सर मैंने आसपास के सभी हॉस्पिटल से पता किया है सर, पास के एक हॉस्पिटल से किसी ने एक दिन के लिए अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए किसी नर्स को बुलाया है सर। एक दिन के लिए? जी सर। और सर हॉस्पिटल वाले बता रहे थे कि वो कुछ अजीब अजीब सा आदमी था सर, वो अपना डिटेल्स भी सही से नहीं दे रहा था सर। लेकिन सर वो बच्ची थी सर, लड़का नहीं था। हमारी मोक्ष है, हाँ। अहिर इतना शातिर जरूर है कि मोक्ष का हुलिया बदलेगा। लोकेशन मंगवाओ, चलो। जी। कितनी दूर दिखा रहा है लोकेशन? बस सर थोड़ी दूर है सर, बस पहुंचने वाले सर। ये आगे सर, चाचा दादा आई आजोबा घर में कोई है? अरे दरवाजा खोलो, बच्चे को दुआ देने आए हैं।
अभी अभी नर्स से बात हुई है सर। सर आप सही कह रहे थे सर, वो लड़का ही है सर। अरे हाय हाय, दरवाजा खोलो। हाय हाय, लाओ जी लाओ। अरे चाचा खोलो दरवाजा। हाय खोलो। अरे हाय हाय खोलो सही। लेके जा रही हो तुम इसे? लाओ इधर दो, मेरा पिल्लू मुझे वापस दो, मेरा पिल्लू। तेरी तो कह रहे बड़ा शौक है तेरे को पुलिस से बात करने का। हाँ काटू किधर को? काटू क्या? नहीं मरना है किधर को? इधर सीधा सीधा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही कर, समझी क्या तू? मार दूंगा वरना तेरे को। सर वो आदमी बच्चे को लेकर पीछे के दरवाजे से भाग गया। उसने मुझे ये गुड़िया देकर यहाँ इसलिए खड़ा किया था ताकि आपका ध्यान भटका सके। पीछे के दरवाजे जी वो राव जी सर, उधर देख जल्दी जा। जी सर, बच के नहीं जाना चाहिए। पवार जी तो इधर देख और पुलिस फोर्स को कॉल करके बुला जल्दी। जी सर। पाटिल मलार जी देखिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे पता है आप अभी मुझसे गुस्सा होंगी क्योंकि मैं ऐसे कपड़े पहन के उन लोगों के साथ घूम रही थी, लेकिन कल्याणी मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूंगा? तुमसे तुम्हारे बच्चे की चिंता करने का हक नहीं छीन सकता ना मैं। चलो जल्दी। पंद्रह कॉन्स्टेबल से क्या होगा? मुझे गाँव के हर चौक पे एक कॉन्स्टेबल चाहिए। बड़गांव के बीट से 15 कॉन्स्टेबल और बुलाओ जल्दी। हेलो। ओ दादा, तुम लोगों को समझ में नहीं आती एक बार? हाँ अगली बार तुमने या वहीनी ने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की ना तो माँ कसम बोल रहा हूँ बच्चे की जान जाएगी, भी सोच लो। आहीर, एक बात ना कान खोल के सुन ले, अगर मेरे बच्चे को खरोंच भी आई ना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं।
समझा तुम? अहिर सुनो, अहिर देखो, हमें ना तुम्हारी शर्त मंजूर है, हम तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हैं। तुम बस बताओ कि कहाँ के तुम्हें पैसे देने, पर पिल्लू को कुछ मत करना। अब से ठीक है, एक घंटे बाद तुम लोगों को मंडी के पीछे वाले रास्ते पे मिलूंगा। और हाँ, इस बार कोई होशियारी नहीं, सिर्फ तुम दोनों। हम दोनों के अलावा वहाँ पे कोई नहीं आएगा और हम पैसे लेके आ जाएंगे। बस तुम पिल्लू को कुछ मत करना ही, प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक मुजरिम को पैसे दूंगा मैं, हर किस नहीं। और कहाँ से है 2 करोड़ रुपए? मल्हार जी, पैसों का इंतजाम मैं कर चुकी हूँ। मेरा एक स्कूल फ्रेंड है रचित, वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार है। 2 करोड़ रुपए? और इतनी बड़ी रकम लेने से पहले तुमने मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा कल्याणी? मल्हार जी, आप समझने की कोशिश तो करिए, बात हमारे बच्चे की है मल्हार जी। और मैं नहीं गई थी उससे पैसे मांगने, वो खुद होके हमारी हेल्प करना चाहता है। तो जब वो खुद हेल्प करना चाहता है तो फिर पैसे लेने में हर्ज ही क्या है? और हम बाद में लौटा देंगे पैसे। हर किस नहीं कल्याणी, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। और मेरे पास होते भी ना तो उस मुजरिम को तो मैं बिल्कुल नहीं देता, मेरे उसूल के खिलाफ है। हम आ जाएंगे और बिना पैसों के। नहीं मल्हार जी, आपके बच्चे से भी ज्यादा अब जरूरी आपके उसूल है क्या? मोक्ष में मेरा खून है कल्याणी, और मेरे खून में मेरे उसूल दौड़ते हैं। उस मुजरिम को पैसे तो मैं हरगिज़ नहीं दूंगा, समझी तुम? उनसे बात ही करना बेकार है। कल्याणी और मल्हार बिना पैसे लिए ही अहिर के बुलाई जगह पर चले गए। कल्याणी का अभी अभी मैसेज आया था। ये दादा बिना पता नहीं क्यों अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। अगर कल्याणी अपने दोस्त से पैसे लेकर आहिर को दे भी देती है तो कम से कम बच्चे की जान तो सलामत रहेगी। नहीं, मल्हार जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है। तुम्हारे उस नालायक बेटे के सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। आओ साहब, तुलसी विवाह आप भी करना है क्या? हाँ, मोक्ष की सुरक्षा के लिए पंडित जी ने जो उपाय बताया है उसे हम जरूर अपनाएंगे। आओ हमारे साथ। वहिनी, आप इस बारे में जानती थी ना? क्या आपकी अभी अहिर से बातचीत हो रही है? ये कैसी बात है सार्थक? अगर आसावरी को कुछ भी पता होता क्या वो हमें बताती नहीं? बाबूजी अपनी जगह पर सही है। अहिर ने आज तक जो कुछ भी किया है मेरे कहने पर किया है, इसलिए भाऊजी का मुझ पर शक करना जायज है। लेकिन मेरा यकीन मानिए भाऊजी, इस बार आहिर ने मेरे कहने से कुछ भी नहीं किया है। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, उल्टा मैं तो ये चाहती हूँ कि आहिर को अपने किए की सजा मिले। बस डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं आहिर को सजा देने के चक्कर में हम मोक्ष को खतरे में ना डाल दें। दस पौधे नहीं हो पाएंगे, आज सबके घर में तुलसी की पूजा है। हाँ, वो पहले से बुकिंग हो चुकी है उनकी। हाँ ठीक है, ओके। मंडी की सारी दुकानें बंद क्यों हैं? दादा एक सेकंड, ये दुकानें क्यों बंद हैं आज? वो आज गांव के सभी घरों में तुलसी विवाह है ना, शाम को विसर्जन के बाद ही आज दुकानें खुलेंगी। ठीक है, थैंक यू। मल्हार जी, इन बंद दुकानों में हम पिल्लू को कहां ढूंढेंगे? कल्याणी, अहिर ने इसीलिए हमें यहाँ बुलाया था कि
बंद दुकानों में वो छुप सके। अरे अरे मेरे बाप, चुप हो जा। अरे चुप हो जाना, अभी देख तो चुप करेगा। ले, अरे लेना, अब भगवान के लिए अपना भोंगा बंद कर। चैन की लंबी नींद सुनाता हूँ। नर्सरी है कल्याणी, लेकिन ढूंढना पड़ेगा हमें। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? क्या लगा तुझे मैं तुझे पैसे देके जुर्म को बढ़ावा दूंगा? अहीर तो मेरा भाई है, तुझमें बाबा का खून है, अभी मौका है, सुधर जाओ।
मत करिए सर, बता मुझे मोक्ष कहाँ है। दादा बंदूक उठाओ, दादा मैं बोल रहा हूँ बंदूक उठाओ। और एक बार जान लो तुम लोग, अगर मेरे को कुछ हुआ ना तो मोक्ष कहाँ है वो कभी नहीं जान पाओगे, समझे ना। ला बंदूक मेरे को दो, बंदूक मेरे को दो वरना मोक्ष मरेगा। बंदूक दो। कल्याणी, कल्याणी अहीर ले लो, बंदूक रख लो। और अब तो बता दो कि पिल्लू कहाँ है अहीर, प्लीज। पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं।